नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेडी स्टॉक्स पर। तो दोस्तों यहाँ पे काफी बड़ा अपडेट आ रहा है मध्य प्रदेश की तरफ से। दोस्तों यहाँ पे कैबिनेट में काफी ऐतिहासिक फैसले लिए हैं आज। तो दोस्तों कौन कौन से हैं मैं पूरी डिटेल में बात करूंगा। दोस्तों बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ लास्ट तक और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक देना बिल्कुल बोले। साथ साथ दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप एमपीएससी एमपी कॉस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा ऐप की तरफ से आप अपनी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करिए LATFGOV40 पूरे 40% ऑफ अपनी बहुपयोग टेस्ट सीरीज परचेज करें। ज्यादा यानी कि डिस्क्रिप्शन चेक करें। दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट खबर पर। तो दोस्तों यहाँ पे काफी बड़ा अपडेट आ रहा है। चाचोड़ा, मैयर और नागदा तीन नए जिले यहाँ पे मध्य प्रदेश में घोषित कर दिए हैं आज कैबिनेट की तरफ से। तो दोस्तों यहाँ पे अब कुल 55 जिले हो गए हैं मध्य प्रदेश के अंदर। दोस्तों इससे पहले यहाँ पे 52 जिले हुआ करते थे, जिसमें कि दोस्तों लास्ट जो जिला बना था वो था निवाड़ी और उससे दोस्तों पहले आगर मालवा जो 51वां जिला था और 52वां जिला निवाड़ी था। दोस्तों ये तीन नए जिले जो कि चाचोड़ा, मैयर और नागदा जो हुआ करते थे दोस्तों, वो 55 जिले हो गए टोटल मिलाकर। तो दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पर तीन नए जिले घोषित हो गए और दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि दोस्तों एमपी पुलिस का आपका आने वाला एग्जाम, जो कि दोस्तों इसका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों वर्ग तीन का जो आपका एग्जाम है उसके लिए भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। दोस्तों क्यों बता दूँ, ये बात कंफर्म है कि एक नंबर का क्वेश्चन अब यहाँ से फिक्स हो गया आपका जनरल नॉलेज में। दोस्तों एमपी का चाचोड़ा, मैयर, नागदा में से एक जिले के ऊपर दोस्तों आपसे कंफर्म सवाल पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये एग्जाम के लिए आज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब बन गए हैं आप सभी के लिए। 55 जिले टोटल हो गए हैं और तीन नए जिले दोस्तों आज घोषित कर दिए गए हैं कैबिनेट की तरफ से। तो दोस्तों ये काफ़ी अहम खबर थी जो आपको बताना काफ़ी ज़्यादा जरूरी समझता हूँ मैं। इसके अलावा दोस्तों किसी भी तरह का डाउट क्वेरी सजेशन तक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में किसी भी तरह का। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कैबिनेट ने आज जो फैसले लिए हैं, इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी फैसले मैं आपको बहुत ही जल्दी बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।